হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? গুড মর্নিং, শুভ সকাল তোমাদের। এখন 5:30 পৌনে 6টা বাজছে সকালবেলা। ঘুমটা একটু ভেঙে গেল, আমরা উঠি উঠে একটু তোমাদের সঙ্গেই গল্প করে নিই। তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে। অনেক পাখি ডাকছে জানো তো সকালবেলা। আর এই আমার সুপ্রভাতের সকালের সুন্দর গোলাপ ফুল, বিউটিফুল রোজ মর্নিং, চার্পিং অফ বার্ডস। ये बर्तन धोने के बाद ना बहुत ज्यादा बर्तन हो गया, सब उठाना है। अभी आहिस्ता आहिस्ता सब उठा देती हूँ। चलो, किचन क्लीनिंग हो गया, ये बहुत जरूरी था। बर्तन बर्तन समेट के रखना थोड़ा सा स्लैब लैब क्लीन क्लीनिंग। बिल्कुल नहीं होता है, देखना, ज्यादा खाना बनाने का मन नहीं होता है। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी आज यही हाल है। तो मैं क्या सोची हूँ, दाल और आलू इकट्ठे उबाल दी हूँ, ठीक है। अब आलू का थोड़ा टिक्की बना दूंगी, थोड़ा आलू माखा बंगाली का होता है, और दाल में छौंक दे दूंगी बस। हम लोगों का बंगाली का सिंपल होता है, हरी मिर्च या सूखा मिर्च डाल के और कलौंजी डाल के तेल में थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दूंगी, चिली पाउडर जस्ट डाल आफ्टर गरम गरम क्रैकलिंग क्रैकलिंग। अब दिस इज नोन एज डाल दिच्छा। ये हो गया मेरा आलू टिक्की। कुछ नहीं, आलू को बॉईल करके थोड़ा सा तेल में, आई विल शो द प्रोसेस, तवे में ना इधर उधर सेक लेना, दैट इज आलू टिक्की। एंड दिस इज बंगाली आलू सिद्ध मक्खन विद अचार का तेल, प्याज, हरी मिर्च एंड थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाली हूँ, नमक, ठीक है। दिल्ली एक जगह है जिसमें डस्ट की तो कोई कमी नहीं है। कितना डस्ट चाहिए बोलो आपको? डस्ट ना किलो किलो मिलेगा। ये देखो, दिख रहा है, जो मन है लिख सकते हो। बाबा रे बाबा, अभी इस डस्टिंग करके क्लीनिंग करना है, ये सब हटा हटा के करना है। पहले मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से कर लूंगा, दो हो गया इधर का डस्टिंग एंड क्लीनिंग एंड एवरीथिंग, है ना, एकदम साफ सुथरा कर दी। कोशिश की हूँ 4 दिन बाद देखना वही के वही। तो मेरे बेटी का बचपन का इन्हें ब्लाइटिंग टाइप किताब था, तो वो रखा हुआ है। अच्छी किताबों को ना रखना चाहिए, लाइक समटाइम्स आई ऑल्सो एंजॉय रीडिंग दैट। तो मैं सिंपल एक चीज बता रही हूँ, अच्छी किताब या अच्छी कोई बुक्स को अगर आप अच्छे से रखना चाहते हैं ना, आपके पास ऐसे टिश्यू पेपर है, जैसे आई हैव दिस टिश्यू पेपर, इससे आप कवर करके रख सकते हो। ছোটবেলায় কখনো বইয়ে মলাট দিয়েছো? নতুন বইয়ে যখন প্রথম নতুন ক্লাসে উঠতাম আমরা, তখন নতুন বইয়ের গন্ধ, নতুন বইয়ের মলাট, দ্যাট হ্যাড সাম কাইন্ড অফ কুচ করিশ্মা হতাম, হিন্দি মে বলি না। ওকে, ওয়েন উই ইউজ টু কাম টু আ নিউ ক্লাস, নিউ স্ট্যান্ডার্ড আজকাল কি ল্যাঙ্গুয়েজ মে, ইউ নিউ বুকস উইথ নিউ কভার্স, and that used to be usually brown paper covers which used to be supplied from the school only. It's like alerts, there used to be a lot of love in it, lot of you know, looking ahead for the new you know, classroom, new teachers, new class teacher, another new year ahead. It's like farak padta tha na, you remember those days, and the Khushbu and the essence of new books. Have you ever experienced that? It is just nostalgic, है ना? इस तरह से आप अपने अच्छे से जो planners हो गया, your you know compilation of papers हो गया, you just punch it and then tie it and make it into a small file kind of a thing.
And then you put tissue paper cover. If you have nice tissue paper covers, yeah, nice covering papers also if you have at home, उससे कवर करो तो ये अच्छा सा सुंदर सा बन जाता है. घर में तो बारी बारी से एक एक जगह की डस्टिंग होती है ना. आई डोंट डू द डस्टिंग, बोलते हैं ना, इन वन डे आई कैन नॉट डू द डस्टिंग. इतना मेरे ना हिम्मत ही नहीं है आजकल. जितना हो पाता उतना कर लेती हूँ. अच्छा, एक चीज आपको बताऊं कि ये तो मेरी बुक्स जो है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है ना. वर्टिकली अगर आप बुक्स प्लेस करके सजाना चाहते हो ना, तो आई हैव एन आइडिया. चलो कुछ कुछ करते हैं. मी एंड माय फेमस कुछ कुछ. चलो ये जगह कोई मैं अपना डेकोर प्लेस बना के आप लोगों को एग्जिबिट करके एक बोलते हैं ना, दिखाती हूँ कि ये कॉर्नर को आई हैव टेकन इट एज अ कॉर्नर वेयर आई कैन यू नो डू सम वॉट एवर लिटिल आई डू एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ. दैट्स अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट. तो इस तरह से आपके पास जो स्टैचूज वगैरह घर में है ना, इधर से लगा दो. इस तरह से मेरे पास जो है, आपने देखे होंगे पहले वीडियोस में, इधर बुक्स को लॉन्गिट्यूडनली रखो एंड पुट अनदर स्टैचू ओवर हियर. लाइक इधर मैं ये रखती हूँ. तो इस तरह से आप रखोगे तो घर भी अच्छा लगेगा. बुक्स का जो एक इफेक्ट है ना, बट लॉन्गिट्यूडनली रख के कुछ आपने देखे होंगे, कुछ अच्छे अच्छे शॉप्स में इस तरह से रखा जाता है. तो घर में क्वारंटाइन टाइम है, आप थोड़ा सा बुक्स को शफल करके इस तरह से सजा के रखोगे ना, तो दिस विल गिव अ वेरी गुड लुक. बिलीव मी, एकदम चेंज आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा घर, है ना. तो यही तो धूलोर अवस्था और यही अवस्था की घरेर अवस्था की अवस्था. एगुलो एखन समस्त डस्टिंग शस्टिंग करे नहीं है. चलो ये जगह तो क्लीन हो गया. कभी कभी मैं सोचती हूँ, सम पीपल से दैट लाइफ इज फॉलिंग इन रिदम स्लोली. इज इट एक्चुअली फॉलिंग इन रिदम? डू यू थिंक सो? आर वी सेफ? पता नहीं, दिस क्वेश्चन आफ्टर द क्वारंटाइन टाइम इज स्टिल यू नो knocking the door of my mind. Are we safe? Are we really safe? Things need to fall in place, you know, with time. I don't think it is so easily going to fall in place. The rhythm will slowly come. Hai na? Aap logon ko kya lag raha hai? Mere ko to aise hi lag raha hai. Aaj ke na kaaj nahi ko rahe ho. অনেক কাজ ছিল, ডাস্টিং ফাস্টিং সমস্ত. দেখো আমি একটু আগে ডাস্টিং করে গেলাম, আগেন দেয়ার ইজ সো মাচ অফ ডাস্ট. বহুত সুন্দর ব্রিজ বহ রা হ্যায় এন্ড হাই ফ্লাইং বার্ডস হ্যায়. ক্যামেরা মে তো কবি নেই আয়েগা. হাই ফ্লাইং বার্ডস দে হ্যাভ ডিসাইডেড কি হাম লোক ক্যামেরা মে নেই আয়েঙ্গে. ও সব আপনি ঘর কে তরফ যা রে হ্যায়. ইটস ক্লাউডি, ইটস কোয়াইট ক্লাউডি. মন হো রা থা ছত পে যায়, লেকিন ছত পে নেই যায়নি অভি. ইনকে থোড়া থোড়া কাম কর লেতে হ্যায়. अब मैं सोच रही हूँ ना, थोड़ा सा ये जगह को ऐसे कपड़े से क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा है. देखो थोड़ा सा ना मसूर की दाल दी थी चिड़ियों को खाने, वो लोग खाए कुछ, बिखर के फेंके कुछ, बिखेर के फेंके कुछ. आई डोंट नो, हिंदी थोड़ा सा गंडगोल हो रहा है. और फिर बस सारी जगह मैंने क्लीन कर दिया. और इधर भी ये सब ये देख रहे हो ना, बूंद बूंद बारिश के दिख रहा है. ये सब मैंने आज गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से सब रेलिंग वेलिंग सब क्लीन की. बहुत काम किया आज, डेढ़ दो घंटा यही काम में मेरे चला गया. चल द सब्सक्रिप्शन रिटन इज एट द बेस ऑफ माई. ओ बर्ड, ओ माई गॉड, देखो What a wonderful thing my camera could catch. पीछे से एक बर्ड आ गया, शालिक पाखी बोले बांग्ला. ओ माई गॉड, छिलका मैं पौधों में डाली हूँ, वो आके खा रहा है. एंड अच्छा लग रहा है मेरे को, हलचल तो मच रही है. कोई आके खबर ले रहा है क्या कर रहे हो? अभी उड़ जाए, गया. एंड विद द स्नोट, इधर से उधर, उधर से उधर. विद द स्नोट आई कम्प्लीट माई डे टुडे. लव यू ऑल माई फ्रेंड्स. इट्स अ क्लाउडी स्काई. क्या बोलती हूँ, जय श्री कृष्ण. आओ जो सी टुमारो.
The subscription button is at the base of my channel. वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना माई फ्रेंड्स. लव यू ऑल वंस अगेन. बाय बाय. सी यू टुमारो. थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ आ जा रहे हैं. When very few people are there, थोड़ी थोड़ी चीज आप होता है ना हलचल मच के तो आप नोट करते हो. चलो सब अपने अपने घर जा रहे हैं, मैं भी अपने रूम पे चली जाऊं. ओ माय गॉड, दैट्स सो स्वीट. ओ गॉड, फेट जा रहा है. चलो बाय बाय, सी यू टुमारो.